हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में रिटायर्ड एसडीएम सुरेंद्र पाल सिंह रावत के घर में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर्ड एसडीएम के घर से पीलीकोठी निवासी धर्मेंद्र ने चोरी की थी, जिससे चोरी की गई ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले एसडीएम के घर में पेंटिंग का कार्य करने के लिए धर्मेंद्र आया था, जिसके बाद उसने यह चोरी का प्लान बनाया। पकड़ा गया धर्मेंद्र पूर्व में कई मामलों में जेल जा चुका है। एसएसपी ने बताया कि धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसमें एसडीएम साहब की मिसेज श्रीमती सुशीला रावत द्वारा जो है एक नकब देने की तहरीर दी गई। इसमें सर्विलांस और आपका सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की थी। इसमें धर्मेंद्र कश्यप की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई, जिससे आपका उनके घर में नकबजनी की जो ज्वेलरी थी वो बरामद की गई है। इसमें धर्मेंद्र कश्यप ने पूछताछ में बताया है कि उसके विरुद्ध पहले भी 3 मुकदमे कायम हैं, जो 2 एनडीपीएस के हैं और 1 नकबजनी का मुकदमा है। ये इनके घर से 500 मीटर की दूरी पर रहता था। पहले इसके द्वारा उस घर में पेंटिंग का काम किया गया है, इसलिए उसको घर की पूरी नॉलेज थी। इसके द्वारा पहले पीछे गेट का ताला जो है वो तोड़ा गया सरिये के माध्यम से, लेकिन वो गेट नहीं खोल पाया तो इसने फ्रंट का ताला तोड़ा है। उसके अंदर जाकर के उसको पता था मैडम चाबी आपका रखती हैं कहाँ पे रखती हैं, उसने चाबी निकाल करके संदूक बाहर ले जा करके संदूक से ज्वेलरी निकाली है। और इसमें टीम द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किया गया उसके लिए 5,000 रुपये के इनाम की मेरी तरफ से। हाँ, इसमें जितनी ज्वेलरी गई थी वो और 1,000 रुपया जो है वो बरामद किया गया।